नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरी वाइफ ममता है और मैं, हम लोगों ने हमेशा ही पब्लिक को हंसाने की कोशिश की है, लेकिन एक आर्टिस्ट के अंदर कितने दुख चलते हैं, अंदर से कितना दुखी है, ये कोई नहीं जानता। और आज मतलब बड़ी हिम्मत करके मैंने ये बात आपसे शेयर करने की कोशिश की है। पहले तो ये मुझे मना कर रही थी कि मत करो ऐसी बात, वीडियो बना के मत डालो, लेकिन हमको प्रॉब्लम आ रही है, वो शायद आपको भी आती होगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो होती है। जो इंसान चाहता है जब वो नहीं होता तो प्रॉब्लम तो होती है। मनी की शादी की और सोचा कि बहू आएगी, बहू की तरह रहेगी। हमारे साथ बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। मुझे घर पे हर खाने पीने तक मुझे रोक टोक की जाती है, इसको हर काम में रोका टोकी करती है। मुझे पता आपको यकीन नहीं आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए सामने बैठी ये बहू नहीं है, ये बेटी है। इसने हमें बहू का प्यार नहीं दिया, बेटी का प्यार दिया है। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें बहू नहीं बेटी मिली है, और ऐसे ही खुश रहना चाहिए, सबको हंसते खेलते रहना चाहिए। अगर हम अपनी बहू को बेटी मानेंगे तो ये भी हमें मम्मी डैडी समझेगी, है कि नहीं? पापा सब ठीक है, पर इतना इमोशनल होके जो आप बोल रहे थे, वो एक्टिंग लोगों को लगना चाहिए ना। एक्टिंग तो ठीक थी, आप लोगों को तो ये लग रहा है ना कि पता नहीं कौन सी रोक टोक करती हूँ मैं। हाँ तो करती हो, क्या रोक टोक? ये मैंने यही कहा ना, खाने पीने में रोक टोक करती हूँ। अगर मैं मीठा खाने लगता हूँ, नहीं पापा आपको शुगर हो जाएगी। अगर मैं घी खाता हूँ, नहीं पापा रहने दो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, रोक टोक करती है कि नहीं? तो मम्मा आप बताओ, मैंने आपको कभी कोई की रोक टोक? हाँ की, मैं बर्तन बोलती हूँ मैं करती हूँ, आप करने नहीं देती, रोटी बनाती हूँ करने देती, तुम तो मेरी सहेली हो। तो हमारी वीडियो को इसी तरह आप प्यार देते रहिए, और इसके डायलॉग आपको कैसे लगते हैं? नहीं भी देते ना डायलॉग, बोल देती है बिलो। तो रौनक तो मम्मी के बोलने से ही लगती है ना। हाँ, मेरे साथ तो कितने सालों से ये रौनक लगी हुई है। खैर, इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे। थैंक यू।